गली में। इसी पेट्रोल की अगर चोरी करते रहेंगे लोग तो 112 106 रुपए का भरने के बाद भी लोग का पेट नहीं भर रहा है। वो रॉन्ग है, इस वजह से ये बॉटल में दिए, बॉटल किस हिसाब से दिए ये बताओ। और उनको बोलो चोरी में ना करे, एक एक गाड़ी पे आधा आधा लीटर वो चोरी कर रहे हैं। टंकी बनाए हमने घर पे नहीं बनाए, जीरो दिखा, करो भाई चोरी बंद करो। कहानी मत पढ़ाओ हमारे को, सुनो। पेट्रोल ओपन दे सकते क्या? मैं एक लेडीज पूछ रही हूँ। आप कह रहे हो कि ऐसा छोड़ो वैसा, ये सबको मालूम है क्या ट्रिक है। काम करते दोनों खाली करो कि ये पेट्रोल पंप वाला चोर है। कोई फुल भराने आ रहा है, आधा से पौना लीटर वो बंदे का जा रहा है। और पहले भी इनके साथ हुआ है, आज मैंने देखा, मेरा फर्ज था, मैंने पकड़ लिया। बताया के बोले पहले भी ऐसे हरकत जैसे ये बंद हुआ था पेट्रोल पंप। बोतल में दे दो, नहीं बोतल नहीं देता, हाथ में ले लेता। अरे हाथ में ले लेता, मगर तुमने क्यों दिया? टैंक का करो भाई, चोरी बंद करो। चलो काम करते दोनों खाली करो, चलो 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 खाली करो, बुलाओ। आपने ये पेट्रोल दिया कैसा? सर पे बंदूक रखा था? नहीं, चाकू रखा था? नहीं, मैंने गाली गलौज दिया। इन्होंने कहा कि क्यों आपने दिया? पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल पंप पे लोग भराने आते हैं, बटन दबाया जाता है, कितना पेट्रोल मीटर में दिखता है, क्या वाकई वो मीटर का जो मीटर में दिख रहा है वो पेट्रोल गाड़ी में आता है कि नहीं। हर आदमी को शक रहता है मगर मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता। वक्त की तंगी रहती, भागम दौड़ी रहती है जाने की। आज यहाँ पर डोंगरी की पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं। यहाँ पर जो है एक वाकया हुआ है, जो पेट्रोल जो है कम भरने का। तो बात करते हैं, कहाँ गया वो भाई? बोलिए। मेरी एक्सेस गाड़ी है। आपका नाम बोलिए। जहांगीर फखरुद्दीन। जहांगीर फखरुद्दीन, ये बिल आपके जी, जी ये मेरा बिल है जी। एक ये आपकी गाड़ी है? ये मेरी गाड़ी है। क्या हुआ? मैं इधर आया, पेट्रोल भराया, तो मेरी मम्मी को मैं इधर छोड़ने का था, तो मैं घाय घाय में ध्यान नहीं दे, तो 5.29 लीटर पेट्रोल अंदर गया और ऑलमोस्ट मैंने गाड़ी चला के लाया, धक्का मार के नहीं लाया अंदर, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पेट्रोल था। और 5 लीटर की कैपेसिटी है एक्सेस के अंदर। एक्सेस की कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर की कैपेसिटी है। और ऑलमोस्ट मैं गाड़ी चला के लाया, धक्का मार के नहीं लाया, उसके अंदर थोड़ा बहुत पेट्रोल था, तो इधर वो लोग ने डाले 5.29। अच्छा जी, मतलब 5.25 जी, सवा 5 लीटर उन्होंने ऑलमोस्ट डाल दिए। तो ये मेरे बड़े भाई है, इन्होंने देखे, मैं तो घाई पे था, तो ये मेरे बड़े भाई है, इन्होंने देखे, बोले भाई 5 लीटर की कैपेसिटी है और आपने चला के लाए। तो ये भाई बोले ऐसा कैसा हो सकता है? तो फिर अभी ये भाई ने बोले, तो उनके यहाँ पे डाल के चेक किया हमने। तो अभी आप इनसे जी क्या हुआ था? सलामुअलैकुम, मेरा नाम यासीन पटेल है और मैं छाज मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ। मैं आया था, मैं भी गाड़ी का पेट्रोल भराने ही आया था, एक्सिस का, और सेम मॉडल है, सेम गाड़ी है 2019 का, और उसमें कैपेसिटी सिर्फ 5 लीटर की ही है, मैक्स टू मैक्स। और इसमें आप अगर इसमें गूगल में भी चेक करोगे, आपको वही बताएगा कि कितने लीटर की टाकी है लाइफ। आपको ये भी चेक कर लो, यहाँ पे 5 लीटर की कैपेसिटी है। अब ये जब मैंने भाई को देखा तो यहाँ पे इन्होंने ना ऑलमोस्ट 5.30 भर दिया है, वो भी साइड स्टैंड पे, जबकि कैपेसिटी 5 लीटर की है। और ये जब भाई आए चला गए तो ऑलरेडी इनका 1 पॉइंट तो था, यानी लगभग आधा से पौना लीटर तो गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल भरा हुआ है। तो यही मेरा बोलना है कि 5.5 लीटर इन्होंने क्या हिसाब से भरा, जबकि फिर उसके बाद मैंने लाइव टेलीकास्ट, मैंने मेरी गाड़ी लिया, लगाया मैन स्टैंड पे, और मैंने बोला कि अब मुझे इस तरीके से नहीं भरना है, आपका गैलन लाओ 5 लीटर का। उन्होंने अपना गैलन लाया 5 लीटर का, 5 लीटर उन्होंने ये निकाला अंदर से, ये पेट्रोल निकाला 5 लीटर का गैलन इन्होंने पेट्रोल निकाला। निकालने के बाद मेरी गाड़ी, मैंने लाइव सबके सामने बताया, और मेरी गाड़ी में 4.5 लीटर ही गया, और आधा लीटर बॉटल ये लोग ने ये भर के दिया हुआ है खुद सामने से पेट्रोल पंप वालों ने। और मैनेजर का यहाँ का दावा है कि एक्सिस 2019 का 6.5 से 7 लीटर बोले पेट्रोल जाता है, जो कि गद्दे ही रॉन्ग है, 5 लीटर के ऊपर जाता ही नहीं है। इंटरनेट खुद दे रहा, हम भी पर्सनली बहुत बार बहुत से इधर पेट्रोल पंप पे भराते, आज 20-30 साल से मेरी भी गाड़ियाँ हैं मेरे पास, और गाड़ी भी खड़ी है। और ये गलत है क्योंकि पेट्रोल का लाइफ स्कैम आपके सामने ही है, आधा लीटर मुझे भर के दिया, और यही सेम तुम्हारा तो ठीक हो गया ना? मेरा ठीक है, बन पेट्रोल मेरा बराबर है, इनको पेट्रोल नहीं। क्या साबित हुआ ये कराने से? क्या साबित हुआ लास्ट में? क्या शामिल हो गया ना? हम लोग भी ऐसे भरा थे ऑलमोस्ट, मेरे से 4 से 5 बार हम लोग यहाँ से भरा चुके ले, और ये मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर ये पहले भी इसी वजह से ही कुछ पानी की वजह से बंद हुआ था। सेम है ना, यहाँ पे अपना आसिफ करके गैरेज वाला, वहाँ पे किए अपना जो ऑनलाइन जूम कार वाले की 45 लीटर उसने कुछ है ना पानी निकाला था। मैं खुद खड़ा था, मैं बोला यार पानी निकल रहा है गाड़ी में से, बोले भाई डोंगरी पे से भराया। तो उसने बताया कि बोले पहले भी ये सेम हरकत के से ये बंद हुआ था पेट्रोल पंप। अभी क्या
अभी तो भाई वापस से ही अभी मैं भराता हूँ, ठीक है, हम लोग बहुत भरा के हर कोई भराता। अगर ये ऐसी पेट्रोल की अगर चोरी करते रहेंगे लोग तो 112 106 रुपए का भरने के बाद भी लोग का पेट नहीं भर रहा है। ऐसा बोलने से नहीं चलेगा ना आपको, ये तो इन्होंने साबित किया, आपको साबित करना पड़ेगा। खाल भी अच्छा और रॉन्ग है, इस वजह से ये बॉटल में दिए, बॉटल किस हिसाब से दिए ये बताओ, किस वजह से दिए? लेडीज को खतरा है पता है ना आपको, कानून के तरफ से बंद है ये बैंड है, इसको ओपन करके ओपनली दिए कैसा? मैंने भी नहीं मंगा, सामने से दिया इसने, बोले कि आप है ना बाकी का पेट्रोल आप इसमें लेके जाओ, मैनेजर को बुलाओ वो भी पूछो आप। मैं रुक गई, मैंने क्या हो गया वसीम, मुझे देखने दो, दो मिनट, बच्चे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मैं उसका पेट्रोल जैक्सी एक्सिस कर रहा है, वो बेचारा तो भर के जा रहा था, मैंने रुकाया कि गलत है, आप गलत पैसा ले रहे हो पब्लिक से, जो कि जितना टाकी का वैल्यू है जितना ऑलरेडी पेट्रोल का भाव सबको मालूम है हाई लेवल पे ही है, फिर भी हम भरा रहे, हमारी मजबूरी। जो ये जो प्रूफ आपने करा है इसको कितने लीटर का पेट्रोल का आपको ये लग रहा है? जैसे उसने बताया कि भाई मेरी 5 लीटर की कैपेसिटी है और 5 पॉइंट कितना, पौना लीटर आधा लीटर तो गैप होता ही है, होता ही है। अभी आपने क्या, आप लोग ने क्या सब? मैंने 4 व्हीलर में पेट्रोल डाली थी ना उस दिन, तो यही प्रॉब्लम, कांटा आगे गया ही नहीं है, आगे जाके मैंने चेक किया कांटा ही नहीं गया। मैं आने के बाद उनको रिटर्न पूछी भी कि मेरा पेट्रोल बिल्कुल ऊपर ने कांटा है मैडम, मैंने डाल दिया है। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, आप बाहर के जैसे कि महालक्ष्मी ये साइड पे भी पेट्रोल पंप है, पर जब भी टाकी ऊपर भरने वाली रहती है ना तो ऑटोमेटिक है ना ये लोग का ये जो पेट्रोल भरने का वो जो ये है ना मशीन वो स्टक हो जाता है, और फिर एडिशनल लोग को ऐसे ऐसे करके ऊपर डालते हैं। इधर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कंटिन्यूसली वो भरते जा रहा है, 5.5 लीटर कंटिन्यूसली भरा है सर, तो बल्कि टाकी ऊपर भरने आती तो वो स्टक हो जाता है। ठीक है, ये ओपन नहीं दे सकते, एक बात हो गई है ये, ठीक है। उनको बोलो चोरी में ना करे, एक एक गाड़ी पे आधा आधा लीटर वो चोरी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक अगर कोई फुल भराने आ रहा है आधा से 1.25 लीटर वो बंदे का जा रहा है और वो एडिशनल पेमेंट भर रहा है, तो इनके तो फिर अपने इधर सब आते हैं, मैक्सिमम मेरे ख्याल से फुल ही भराते हैं जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, डोंगरी पे रहने हमको सब पता है, और पहले भी इनके साथ हुआ है, आज मैंने देखा, मेरा फर्ज था, मैंने पकड़ लिया और मैंने दुनिया को। आप अगर उसको रिकॉर्ड कर लेते ना तो एक अच्छा रहता, मेरा काम है एक्चुअली वो लाइव ट्रीटमेंट में था, वो रिटर्न उनको करना ही पड़ेगा, मैंने करने में मेरे से मिस्टेक हो गई, किसी ने वीडियो नहीं बनाता है और दिया तलक मैनेजर का, यहाँ के मैनेजर का दवा है कि 6.5 से 7 लीटर का मैनेजर साहब वो मैनेजर है यहाँ के, आप भी बोलिए सर, आप भी आपकी सफाई दीजिए, आप भी बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो। मैं सफाई दे चुका, क्या हुआ? मैंने उनको 5 लीटर का जो है माप दिखा दिया है, माप चेक करा दिया है मैंने, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ मशीन बताइए। वो ये दो चीज बात है, एक तो कि भाई आप एक गाड़ी में 5.36 भरते हो, ये देखिए इससे हमसे मतलब नहीं, हमारे अपने मशीन से मतलब है, मैं जो है जीरो टंकी बनाए, हमने घर पे नहीं बनाए, जीरो दिखा के डाला, जो भी गया फुल करा इन्होंने, जो भी गया, मगर एक बात होती है ना भाई साहब, मीटर है, सुने सब बिल भी मैंने निकाल, उस पर लिखा 5.36 लीटर लिखा है, इनका ये दावा है कि इनकी गाड़ी जो है इनकी कैपेसिटी 5 लीटर है, 5 लीटर कैपेसिटी कैसे हो सकती है? सर गूगल, गूगल जो है आप गूगल सर्च कर लो, आप हम कर ले, हम कर ले, मैं अपने किसी को जरा मैडम आ जाइए ना, 5.5 के ऊपर ही टाकी है ये देखो, 125 5 लीटर बताती है, देखिए सर 5 से 5 लीटर 5 लीटर से 5 लीटर तो 6 लीटर 10 लीटर बाइक का रहता है, ये क्या बाइक है? 5 से 5 लीटर। अरे चलो तो फुल करोगे आप, अगर फुल करोगे तो जितना कैपेसिटी रहता है उससे ज्यादा ही रहता है कैपेसिटी, क्या टैंक का, टैंक का कैपेसिटी बंद करो, उसमें अगर आपको दिक्कत है आप कंप्लेन करो, BPCL आएगा आपको मशीन चेक कराएगा, आपको माप चेक कराएगा, जो भी करना है वो करेगा, वो तो बात की बात है। हाँ पहले ये बताओ कि ये मैटर में जो है इनका कहना है कि जो अगर 5 लीटर की टाकी है, ये लोग बोल रहे हैं कि उसमें हाथ से ऐसा करते हो, हाथ से अगर उसमें है तो आप भी देख लो, प्रेशर नहीं भाई, एक बात बताओ, ट्रिक सबके पास है, सुनिए आप जो है कहानी मत पढ़ाओ हमारे को, सुनो कैसा कब कितना स्लो किया जाता है, बड़े इंजीनियर नहीं है आप, अरे भाई ज्यादा इंजीनियर है, सब में बड़े इंजीनियर है, जो भी है गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए, आप कंप्लेन करो, BPCL का कंप्लेन रजिस्टर है, कंप्लेन करो, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो आप कंप्लेन करो, कंप्लेन आएगा, सेल्स ऑफिसर आएगा, सेल्स ऑफिसर आएगा, वो चेक करेगा, सब कुछ करेगा। अच्छा ये पेट्रोल जी आप पूछ रहे हैं, पेट्रोल ओपन दे सकते क्या? मैं एक लेडीज पूछ रही हूँ, मैंने बोतल नहीं दिया, मैंने बोला मैंने इन्होंने कहा 5 लीटर करो, मैं 5 लीटर सेट किया, ठीक 5 लीटर डाला, इनका टाकी फुल हुआ, मैंने बोला अब किस में लोगे आप, क्योंकि आपने
रॉन्ग किए हो ना तो आप इसमें किसमें लोगे, बोला बोतल में दे दो। बोतल में देता हूँ मैं। नहीं बोतल नहीं देता, हाथ में ले लेता। अरे हाथ में ले लेता हूँ, मगर तुमने क्यों दिया? गाड़ी गाड़ी के अलावा पेट्रोल दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। वो तो अभी भी बोलेगा भाई, पैसा वापस दे देते हैं। पैसा बचा, पैसा कैसे हम कैसे नाप भाई? तुम तो हर चीज में चीट भी तुम्हारा, पढ़ भी तुम्हारा। नहीं सर, हमारा कुछ नहीं है, सब आपने ये पेट्रोल दिया कैसा? सर पे बंदूक रखा था? नहीं नहीं, चाकू रखा था? नहीं, मैंने गाली गलौज दिया। इन्होंने कहा कि क्यों आपने दिया, डालता हूँ उसमें। इन्होंने कहा आपका काम है 10 बहाना, 10 बहाना बनाएगा वो, तो क्या पेट्रोल देना सही है? आप गलत एक्सेप्ट कर रहे हो भाई, कुछ भी क्या बोल रहे हो? जो दिखा रहे हो बता रहे यार, पता नहीं आपको नहीं दे सकते है। हम नहीं दे सकते भाई, इसमें बोतल में हम नोजल से दे ही नहीं सकते। नोजल से हम यानी आप बोतल में दे दिए हो, उसका आपको गलती का एहसास नहीं है? गलती का एहसास नहीं है। देखिए हमको गलती, आप बोल रहे हो कंप्लेंट करना है तो जाके कर दो बीपीसीएल में। जो 5 लीटर मैंने, आप कह रहे हो कि ऐसा छोड़ो वैसा, ये सबको मालूम है क्या ट्रिक है? जो 5 लीटर का माप इन्होंने मैंने दिया इनको, उसमें इतना पेट्रोल इनका बचा। मैं बोला क्या करोगे? तो यानी आपके आपसे ज्यादा पेट्रोल था, 5 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं, इनका फुल हुआ इतना बचा। तो वो गाड़ी में क्यों नहीं फुल हुआ? एक ही गाड़ी दोनों। अब वो गाड़ी मैं कैसे बता दे, सब अलग आपके सामने, अभी भी चेक कर लो। देखो ये स्टोरी, एक मिनट ये स्टोरी हमें ना जाने नहीं देंगे। आप मुतमईन हो जाओ, चलो काम करते, दोनों खाली करो, चलो 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 खाली करो, बुलाओ मैकेनिक। क्या अभी आपने, हमारे पास मैकेनिक नहीं है। चलो एक काम करते, एक काम करते, अभी मैं पैसा देता हूँ पूरा 10 लीटर पेट्रोल का, पूरा खाली करते वापस भरा देता हूँ। चलो खाली करा लो, चलो खाली करा लो, चलो आ जाओ, आ जाओ, आपका माप लेके आ जाओ, माप लेके आ जाओ, ये टाकी दे देंगे ना। चलो आप उन्हें ऑनलाइन माप लेते ना, पता चल जाएगा। ये आरोप लगा रहे हो, बचा रहे हो। जब स्पॉन्सर करती है ना, जब ये एडवर्टाइजिंग करती है तो डिस्क्रिप्शन देती है पब्लिक को, जब जाके पब्लिक गाड़ियाँ लेती है, रिव्यूज लेती है, इतने उनको लाइक्स आते हैं, और आप बोलते कि ऑनलाइन गूगल में कुछ भी बताते भैया। गूगल, अरे फिर देखो, खुद को बचाने के लिए गूगल को रॉन्ग बोल रहे हैं। वो कुछ भी बताने का बात नहीं किया मैंने, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया ना। ये आलू चालू बच्चे नहीं है, बिजनेसमैन बच्चे। स्कूटी का कई तरह का टाकी आता है, थोड़ी आलू चालू बच्चे नहीं है, जो बिजनेसमैन है उन लोग को दिमाग है, पागल मत साबित करो, समझे ना। ऑनलाइन करता हूँ, मम्मी की फ्रेंड है। एक काम करते है, सुनो, एक काम करते, इसका बोला पेट्रोल निकालते और इसमें डाल के देख लेते, खत्म होगा। चलो आप देख ले, मतलब आप जस्टिफाई नहीं, आपको तो कराना पड़ेगा ना। अगर आप सही हो तो आप जस्टिफाई करो ना। नहीं भैया, हमारा जो मशीन है, जो मशीन है वही है सर। एक मिनट, एक मिनट, जो मशीन सुनिए सर, पेट्रोल पंप का रूल है, अगर कोई डिमांड करेगा तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ तो हम अभी आप बोल दीजिए, मैं वहाँ नहीं बताइए इसको, नहीं उसका तरीका ना, माप है ना अपने पास? हाँ माप तो है। हम क्या करते हैं, माप निकालते हैं, सुनिए ना, पूरा टेम्पो खाली करते हैं। जिस नोजल से मैंने दिया है उस नोजल से आप माप ले सकते हो। मैंने एक माप दिया, एक माप मैंने दिया, आप दोबारा ले लो। सामी आपका पकड़ा गया ना, सामी झूठा सच के आपके सामने हो गया ना, वही तो बोल रहे ना भाई आपको। आप दोबारा माप ले लो, नहीं गाड़ी का माप। अभी बात ये हो रही है, अभी क्या बात हो रही है, सफाई वो मालूम पड़ेगी। अभी क्या बता रहे हैं, इससे पता चलेगा, जो आपने भी यूं किया था ना यूं, तो अभी ना वहाँ से नहीं, अब यहाँ करके बताओ तो कितने टकी। अब 5 बिल है आपने दिया, 5 पॉइंट ठीक है, कार्ड मारे हुए बिल है ना। अभी आपका वहाँ जाने से अच्छा ऑटोमेशन, गलती हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आपका नाम क्या है? राजेश सिंह। राजेश भाई गलती हो सकती है आपका, ऐसा है कि आपको भी पता नहीं हो सकता। सुनिए ना, देखिए सर, दो कासी ब्लेडी है, सुन लीजिए। जब जीरो दिखा के हम डालते हैं, जीरो दिखा के डालते हैं, फुल करते हैं या कुछ भी डालते हैं, सेट करके डालते हैं, समझ रहे हैं ना, तो उसमें उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं एग्री, मैं हमको, आपको थोड़ी बोल रहे भाई, समझ रहे हैं, नहीं आपको थोड़ी बोल रहे हैं। अरे हमको बोलिए, किसी को गुस्सा कर रहे हो आप? हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल तो बात है, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। वहाँ नहीं, आप इसको निकालो, इसकी कैपेसिटी देख लेंगे, जब उसकी बात है देख लो। मेरे पास माप है, आप निकलवा के उसका चेक कर लो। आप निकालोगे ना, आप सामने से हम कैसे निकालेंगे? अरे रूल है भाई, पेट्रोल पंप का डिमांड है हमारा, टंकी से कैसे निकालेंगे? निकाल लेते ना, कछुए कैसे भी कर लेते हैं। फिर तुम बोलेंगे निकालने में, मैकेनिक नहीं है सर, हम मैकेनिक नहीं। अपने को अभी क्या देखने का है? मैकेनिक नहीं है, मैकेनिक बुलवाइए आप। तो इसके पहले कैसे निकाले थे? इसके पहले मैंने इनसे बोला ना, मैकेनिक आप निकाल लो, बुलवा लो, पाइप है हमारे पास, आप निकाल के चेक कर लो। एक्चुअली करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको करना चाहिए रूल के हिसाब से, एक पेट्रोल पंप वाला करता है कि भाई देखो ये हमारा ऐसा ये करना चाहिए, इसलिए तो सलीम भाई को बोला है दूध की दूध पानी की पानी हो जाए। मैं अपने नोजल से सिर्फ दे सकता। अरे यार भाई ये तो फिर थोड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, लोग शक करेंगे यार।
शक करेंगे मेरे नोजल अभी से बात तो नोजल की नहीं हो रही ना, बात यहाँ की हो रही कि जो आपने 5 पॉइंट कितना दिया, जो नोजल से मैंने डाला है उसी नोजल से 5.29 मेरी गाड़ी 5 पॉइंट यानी 5.5 लीटर आपने दिया और कैपेसिटी 5 लीटर है गाड़ी की कैपेसिटी दोस्तों। तो ये ऐसा ही चलता है, आप देखिए इनका दावा है कि 5 लीटर है पेट्रोल, पेट्रोल की टाकी है, इन्होंने गूगल पे सर्च किया और ये बताया इनकी गाड़ी में 5.5 लीटर पाया है और पहले भी कुछ मौजूद था, तो यानी इनके हिसाब से आपके हिसाब से कितना लीटर हुआ होगा? अब मेरे मैंने जो फील किया ना वो 5.29 गया है अंदर, लेकिन उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर की, मैंने नेट पे सर्च किया, गाड़ी के पेपर भी है, 2018 की गाड़ी है। बता दो लीटर कितनी कैपेसिटी है, वही देख लेते ना, अंदर भी है, अंदर भी है, नेट पे देखो 2018 की एक्सेस की कैपेसिटी कितनी है। सेम मेरी गाड़ी भी सेम है। और एक बात बताऊं, सुन ना भाई, 5.2 अगर 5.3 लिखा ना तो पूरा उतना पेट्रोल भी नहीं जाता है। बहुत समझदार है जी सर, तू आ जा हमारे साथ रिपोर्टर बन जा, मस्त है ये, इसने फटाफट निकाल के बताया, नहीं पेपर में बता देना, ये 2018 की गाड़ी है, देखो मॉडल नंबर, रजिस्टर्ड डेट 2018। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर पूछा है मगर वो अड़े हुए हैं कि जो है ये पेट्रोल पंप पे जो आएगा वही हम दिखाएंगे जो नोजल से आ रहा है, तो कहानी कहीं ना कहीं आँख पे अटकती है कि वो तैयार नहीं है इसको जो है ओपन करके, गाड़ी ओपन करके हम दिखाएंगे कैपेसिटी कितनी है। अगर इसकी वाकई में 5 लीटर कैपेसिटी है तो सवाल ये पैदा होता है 5.5 लीटर पेट्रोल इन्होंने कैसा भरा और थोड़ा बहुत 1.2 पॉइंट तो ये गाड़ी चला के लाएगा, तो ये जो भी 5 लीटर पे जो आधा है ये कैसे हुआ, अगर मगर ये करके देने को तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं वो खाली नोजल की बात करिए तो कहीं ना कहीं मशीन में भी शायद ये ना आप ना BPCL में एक लेटर भेज दो, कंप्लेंट कर दो, ये कॉपी हमारे को दे दो और इनको एक लेटर भेज दो कि भाई इनकी कोई जांच होना चाहिए हमारे साथ ऐसे कंप्लेंट में मैं आपको मदद करूँगा। तो दोस्तों ये है डोंगरी पेट्रोल पंप, फिलहाल आज डोंगरी पे बहुत ही हैपनिंग पेट्रोल पंप जब से नया चालू हुआ, क्योंकि बड़ा स्पेस है यहाँ पर हुआ है, तो ये इनका दावा था मगर वो तैयार नहीं हुए इसको चेक करने के लिए कि टाकी कैपेसिटी कितनी है। गूगल 5 लीटर बता रहा है और इन्होंने 5.3 बढ़ा, पहले से कुछ पेट्रोल था। दूसरी बात ये है कि पेट्रोल जो है इन्होंने जो है बाकी का कुछ जब चेक करने आए तो आधा लीटर पेट्रोल जो है बॉटल में दिया, ये भी देना गलत है, ये कानून के हिसाब से सही नहीं है। और डिमांड करने पर जो है पेट्रोल पंप को जो है कहीं ना कहीं पूरा माप चेक कराने का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, वो इन्होंने मना कर दिए, सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप हमारा नोजल चेक करो। और जो ये बात है कि एक पब्लिक में एक मिथ है कि भाई ऐसा दबाता है, ये दबाने की कुछ ट्रिक है, तो अगर कोई जानकार है जो इसके बारे में दबाने के बारे में प्रूफ कर सकते हो गली उसको कॉन्टैक्ट करो। क्या साबित हुआ वो तैयार नहीं है बोलने पर बहुत गलत काम है, इसीलिए तो आपको बुलाए भाई कि इस दुनिया देखे और सबको समझ में आए कि ये पेट्रोल पंप अलग चोर है, और क्या बोले इससे ज्यादा, मगर थोड़ा सा साबित होना चाहिए था ना, साबित होना चाहिए था लेकिन गलत है। पेट्रोल पंप वाले कोई बोलना है कुछ और है निकाल के इसको चेक करते हैं, कहाँ गए आपके मैनेजर साहब, गायब हो गए। ये गाड़ी की कैपेसिटी आपको आपका भी बोलने का हक है भाई, पाँच लीटर की टाकी है कि नहीं यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे रहा है। दोस्तों अगर आपके पास ऐसी शिकायत है स्टोरी है तो गली न्यूज़ करने के लिए तैयार है सलीम, इनको ये काम करना चाहिए तो थोड़ा वीडियो भी बांध लेते और वीडियो में समझाते तो अच्छा रहता, मगर इनके पास एक प्रूफ है 5.3 लीटर पहले से कुछ पेट्रोल था और इनके जो मीटर में इनका ये कहना है कि ये इससे कैपेसिटी से ज़्यादा कैसे हुआ है। सलीम शेख गली न्यूज़, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पोस्ट को लाइक करें।